हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शायर। स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक है पैरेलल इवोल्यूशन। तो स्टूडेंट, आज से पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि इवोल्यूशन क्या होता है, उसके दोनों टाइप डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं पैरेलल इवोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट, पैरेलल इवोल्यूशन होता क्या है, तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट्स इसके बारे में, आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पैरेलल इवोल्यूशन के बारे में लिखिए कि पैरेलल इवोल्यूशन इज़ द इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ सिमिलर ट्रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिमिलर एंसेस्ट्रल कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि पैरेलल इवोल्यूशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन है, किनका, सिमिलर ट्रेट्स का, और जो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक सिमिलर एंसेस्ट्रल कंडीशन के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ तीन एग्जांपल हैं, अमेरिकन मैस्टोडॉन, वूली मैमथ और अफ्रीकन सवाना एलिफेंट। अब ये तीनों में सिमिलैरिटीज़ आपको देखी गई होंगी कि इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेम है, लॉन्ग ट्रंक है, लॉन्ग टस्क है, और मैस्टोडॉन और मैमथ में तो उनके एयर भी और फर भी उनकी बॉडी में सेम ही है। बस एलिफेंट, जो अफ्रीकन एलिफेंट है, उसमें थोड़े फर कम होते हैं और उनके एयर जो हैं वो बड़े होते हैं। तो स्टूडेंट, ये इनके सिमिलर ट्रेट हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि इनके जो सिमिलर एंसेस्टर हैं वो भी सिमिलर रहे होंगे। ये एक पैरेलल इवोल्यूशन का एग्जांपल है कि इनके जो ट्रेट्स हैं वो सिमिलर हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि पैरेलल इवोल्यूशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सिमिलैरिटीज़ इन सेपरेट बट रिलेटेड इवोल्यूशनरी लाइनेजेस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ सिमिलर सेलेक्टिव फीचर्स ऑन बोथ लाइन्स। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि जो पैरेलल इवोल्यूशन है ये डेवलपमेंट है सिमिलैरिटीज़ का सेपरेट बट रिलेटेड इवोल्यूशनरी लाइनेजेस। अब इसका मतलब कि डेवलपमेंट है ये एक सिमिलैरिटीज़ का, जैसे कि घोड़ा देख सकते हैं हम, पहले इओहिप्पस, फिर ओलिगोहिप्पस, फिर मर्सीहिप्पस, फिर प्लियोहिप्पस, फिर मॉडर्न हॉर्स, ये सब सेम दिख रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, बट ये सेपरेट हैं, सेपरेट भी हैं एक दूसरे से बट रिलेटेड भी हैं एक दूसरे से इवोल्यूशनरी लाइनेजेस के थ्रू, और जो इनका सिमिलर सेलेक्टिव फैक्टर्स हैं बोथ लाइंस में, मींस आप कह सकते हैं सेलेक्टिव फैक्टर्स, जैसे कि क्या आप देख सकते हैं, जैसे कि इओहिप्पस है वो थोड़ा छोटा है हाइट में और उसके बाद थोड़ी हाइट बढ़ती जा रही है, तो ये तो इनका सिमिलर सेलेक्टिव फैक्टर्स हो गए कि हाइट बढ़ रही है इनकी और इनके लेग्स की जो शेप है वो भी थोड़ा बहुत अलग हो रहा है, लेकिन ज़्यादा अलग नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन इनकी बॉडी में है जो इनका जो नेक है और इनका जो फेस है वो धीरे धीरे चेंज होते रह रहा है, और टेल में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन इओहिप्पस और ओलिगोहिप्पस की टेल के बाद मर्सीहिप्पस और प्लियोहिप्पस बिल्कुल हॉर्स की टेल की तरह वो होने लगे हैं। तो ये सिमिलर सेलेक्टिव फैक्टर्स हैं इनके, और सेपरेट हैं ये अलग अलग, आप देख सकते हैं एक दूसरे से कितने अलग दिख रहे हैं, लेकिन रिलेटेड भी हैं, क्यों, क्योंकि इनके शेप वगैरह सेम है। अब इनका तीसरा पॉइंट है कि पैरेलल इवोल्यूशन इज सिमिलर टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इन दैट सिमिलर अडेप्टेशन अराइज इन डिफरेंट स्पीसीज। मेन डिफरेंस इज इन पैरेलल इवोल्यूशन दैट टू स्पीसीज हैव अ कॉमन एंसेस्टर। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि पैरेलल इवोल्यूशन सिमिलर है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि सिमिलर अडेप्टेशन होते हैं डिफरेंट स्पीसीज़ में, जैसे कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, लेकिन पैरेलल इवोल्यूशन में क्या चेंज है, इनका डिफरेंस यही है कि पैरेलल इवोल्यूशन में जो है वो एक सेम एंसेस्टर होता है, एक कॉमन एंसेस्टर होता है इन डिफरेंट स्पीसीज़ का, या फिर टू स्पीसीज़ बोल सकते हैं आप। जैसे कि देख सकते हैं जो आइस एज था उसमें सेबर टूथ टाइगर होता था, ये जो लेफ्ट से सेकेंड नंबर में है वो सेबर टूथ टाइगर है, जिसके लॉन्ग आप देख सकते हैं दांत हैं। तो उसके बाद जो टाइगर की स्पीसीज़ हैं उनमें धीरे धीरे चेंजेस होने लगे, लेकिन उनका जो एंसेस्टर है वो सेम है। अब उनमें चेंजेस हुए वो इवोल्यूशन की वजह से, साइज़ उनका थोड़ा छोटा हो गया ताकि कि वो शिकार के लिए ज़्यादा छुप सकें। अब जो सेबर टूथ टाइगर था उस समय में शिकार बड़ा होता था, जैसे कि मैमथ वगैरह, उनकी हाइट काफ़ी लंबी होती थी और अलग अलग जानवर होते थे आइस एज में, तो उसके लिए सेबर टूथ टाइगर की साइज़ भी बड़ी थी तो छुप के हमला भी कर सकता था, लेकिन अब जानवरों का साइज छोटा हो गया तो धीरे धीरे टाइगर की साइज़ भी छोटी होने लगी, लेकिन उसके अभी भी उसमें फैक्टर्स हैं जो उसके दांत कह सकते हैं आप, और उनकी बॉडी के पैटर्न, उनकी बॉडी में धीरे धीरे पैटर्न जो हैं, और
उनके विस्कर्स, उनके दांत, भले उनके दांत सेबर टूथ टाइगर के जितने बड़े नहीं लेकिन तेज होते हैं, और उनके पॉज बिल्कुल सेम है, और उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी, बस साइज छोटा है। तो यही इनमें है कि इनका जो है वो एंसेस्टर कॉमन रहा है, तभी इनमें जो इनका शेप वगैरह और सिमिलर एक दूसरे से इतने ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन क्योंकि बर्ड विंग और इंसेक्ट विंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की एग्जाम्पल है, तो वो सेम नहीं दिखते, लेकिन इनके एंसेस्टर कॉमन रहे इस वजह से सेम भी दिखते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।